नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो इसका मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव मिलने वाला है। देखिए, 16 सितंबर 2024 को सूर्यदेव सिंह राशि यानी अपनी स्वराशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करने वाले हैं और कन्या राशि में सूर्यदेव 15 अक्टूबर 2024 तक गोचर करने वाले हैं। सूर्य केतु के साथ युति बनाने वाले हैं और ग्रहण योग भी बनाने वाले हैं, तो इस एक महीने की समयावधि में मेष राशि वाले जातकों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, यह जानकारी हम आपको देने वाले हैं। किन किन क्षेत्रों में मेष राशि वाले जातकों को शुभता मिल सकती है और कहां पर आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। देखिए, सूर्य के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, सभी नवग्रहों में सूर्य को राजा का दर्जा प्राप्त है और सूर्य को एक सात्विक ग्रह माना जाता है। सूर्य को समस्त जीव जगत की आत्मा का स्वरूप माना जाता है। सूर्य को आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र और मान सम्मान की प्राप्ति का कारक माना जाता है। अगर किसी भी राशि के जातक की कुंडली पर सूर्य प्रभावी हो, बलवान अवस्था में विराजित हो, जीवन में कई प्रकार की उल्लेखनीय सफलता देते हैं। देखिए, बलवान सूर्य के प्रभाव से सरकारी क्षेत्रों में, राजनीतिक जीवन में और सामाजिक क्षेत्रों में कम प्रयासों में सफलता मिलती है। सूर्य बलवान हो तो जहां जातक के अंदर असीमित ऊर्जा शक्ति, कॉन्फिडेंस, वहीं विपरीत परिस्थितियों से डटे रहने की सामर्थ्य भी सूर्य प्रदान करते हैं। कुंडली में सूर्य अगर बलवान हो तो कुटुंबी जनों का यानी परिवार के सदस्यों का भरपूर सहयोग जीवन में मिलता है। यही सूर्य अगर जन्म कुंडली में पीड़ित अवस्था में विराजित हो तो समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। पीड़ित सूर्य के प्रभाव से आंखों से जुड़ी हुई बीमारी, पीलिया की समस्या, चर्म रोग, पित्त से जुड़ी हुई समस्या और सरकारी क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा प्रयास करने के बावजूद भी सफलता कम या ना के बराबर मिलती है। तो भाई, हम आपको बताते हैं कि आपके जीवन में इसका कैसा प्रभाव मिलने वाला है। मेष राशि वाले जातकों, यह जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। सूर्यदेव कन्या राशि में 16 सितंबर को जाने वाले हैं और आपके राशि के छठवें घर में इनका गोचर होने वाला है। कुंडली के सिक्स हाउस से रोग, ऋण, शत्रु के बारे में विचार करते हैं, कंपटीशन, मुकदमेबाजी और नौकरी के बारे में भी विचार किया जाता है। ऐसे में मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कई प्रकार की सकारात्मकता यहां पर आपको मिलने वाली है। सबसे पहले इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों के जीवन में आत्मविश्वास में वृद्धि जरूर आपको देखने के लिए मिलेगी। कर्म क्षेत्र के मामले में जो भी व्यक्ति नौकरी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, करियर में नौकरी पेशा जातकों के जीवन में उच्च पदों पर जाने के लिए संभावनाएं भी बनने वाली है। और इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक स्थितियों में, जहां इस समयावधि में धन इकट्ठा करने में, धन की बचत करने में आप सक्षम रहने वाले हैं, वही सूर्य का संबंध आपके द्वादश भाव से भी बनने वाला है, तो आपके खर्चों में प्रबल वृद्धि भी आपको मिलने वाली है। सूर्यदेव आपके पंचम घर यानी आपके एजुकेशन भाव के स्वामी माने जाते हैं, जो केतु के साथ ग्रहण योग के प्रभाव में भी रहेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए जातकों को एकाग्रता बनाकर चलने की आवश्यकता
इस समयावधि में रहने वाली है। देखिए आपका मन काफी ज्यादा भटकाव से भरा हुआ इस समयावधि में रह सकता है। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों के जीवन में विदेशों में कार्य कर रहे जातकों के लिए समय शुभ रहने वाला है। सूर्य का संबंध ग्रहण योग के प्रभाव में भले ही राहु के साथ और केतु के साथ होने वाला है, लेकिन वर्तमान में ऐसे जातक जो विदेश में रहकर कार्य व्यवसाय संचालित कर रहे हैं उन जातकों के जीवन में शुभता मिलने वाली है। और ऐसे जातक जिनके जीवन में किसी प्रकार का कर्ज बना हुआ है, कर्जों से यदि आप निपटना चाहते हैं उसमें भी आपको सूर्यदेव सहयोग देने वाले हैं। कर्ज मुक्ति की संभावना भी आपको इस समयावधि में मिल सकती है। और इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों के जीवन में चूंकि पंचम भाव के लॉर्ड हैं, पंचम भाव से आपका प्रेम संबंध देखा जाता है, ऐसे में प्रेम और वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों को रिश्तों में मधुरता बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। रिश्तों में नीरसता का भाव भी देखने के लिए मिल सकता है। तो इस प्रकार का जो प्रभाव है वो मेष राशि वाले जातकों के जीवन में देखने के लिए मिलने वाला है। अगर आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों को सूर्य को जलाभिषेक करना, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना जीवन में शुभ प्रभाव देने वाला है। साल 2024 के सभी महीने आपके जीवन में अच्छी अवस्था का निर्धारण करें, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।